तो आइए नजर डालते हैं अब नेक्स्ट राज्य पे जो कि है तेलंगाना। तेलंगाना में देखते हैं कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। उससे पहले एक बार आप लोग लोकेशन देख लीजिए एग्जैक्ट तेलंगाना है कहां पर। ये रेड स्पॉट आप लोगों के सामने है, बीचों बीच आप लोगों को लगभग नजर आ रहा होगा। थोड़ा सा जूम करके देखते हैं, ये है तेलंगाना। 2014 में तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग कर एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया था। कैपिटल हैदराबाद जो कि यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रही होगी, और यह है तेलंगाना राज्य। तो देखते हैं कौन कौन सा नेशनल पार्क है। तो जो फर्स्ट नेशनल पार्क यहाँ पर है, यह है कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क। एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पर देखते हैं, लगभग आप लोगों को ये साउथ वेस्ट में यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि लोकेशन है तेलंगाना के अंदर। इसका ये नाम है, इसके अलावा एक और नाम से इसको पुकारा जाता है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ये तो है कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क। इसके अलावा इसको चिरन फोर्ट पैलेस के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये भी नाम पूछ लिया जाता है, कई बार लोकल नाम भी आप लोग याद रख सकते हैं। लोकेटेड कहां पर है, ये आप लोगों से हिल का नाम पूछा जा सकता है कि जुबली हिल कहां पर है, तो ये आप लोगों को तेलंगाना के अंदर नजर आएगी हैदराबाद में। तो इस तरीके से बने क्वेश्चन तो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। नेशनल पार्क का जो ईयर है, इसको 1998 में इसको डिक्लेयर किया गया था एज ए नेशनल पार्क। नॉर्मली यहां पर जो ये देखने को मिलेगा, ये है पेंगोलिन, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। कुछ दिनों पहले हम लोगों ने न्यूज़पेपर के डिस्कशन में भी इसके बारे में डिस्कस किया था, आप लोगों को याद होगा, ठीक है। काफी ज्यादा जो इस तरीके के जो इस तरीके आप लोगों को जानवर देखने को मिलेंगे, इनका काफी ज्यादा शिकार किया जाता है आज की डेट में, अलग अलग रीजन की वजह से, कहीं खाने की वजह से तो कहीं दवाइयों की वजह से, जिसकी वजह से घटते हुए जा रहे हैं आज की डेट में हमारी सोसाइटी में। अगला नेशनल पार्क है, यहाँ पर बात की जा रही है महावीर हरिना, ये आप लोग हिरन बोल सकते हैं, ठीक है। यह है वनस्थली नेशनल पार्क। लोकेशन आप लोगों के सामने है, यहाँ पर हैदराबाद के पास आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर जो ये नेशनल पार्क है। तो कुछ बातें इसके बारे में क्या है यहाँ पर, तो पहले आप लोगों को नाम ही पता होना चाहिए, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क। तो ये हिरन यानी कि जो डियर होते हैं, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा कि नेशनल पार्क, ए डियर नेशनल पार्क भी लोकेटेड, इसको बोला जाता है डियर के नाम से भी, जो कि तेलंगाना में हैदराबाद, ठीक है। तो हैदराबाद लोकेशन है, और यहाँ पर हैदराबाद सिटी का ये लार्जेस्ट ग्रीन लंग के तरीके से इसे देखा जाता है हैदराबाद सिटी में, यानी कि जो प्योर हवा करने का काम करता है मैक्सिमम, तो काफी ग्रीनरी आप लोग इसको बोल सकते हैं। 1975 इंदिरा गांधी के टाइम पर जब इमरजेंसी लगाई गई थी हमारी कंट्री में, उस टाइम पर इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। किंग फिशर भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो ये चिड़िया है, इसके बारे में भी आप लोग आइडिया रख सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, यह है मुर्गावानी नेशनल पार्क, ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा हैदराबाद के अंदर। ये नॉर्मली माना जाता है, ये आप लोगों को यहाँ पर मृग यानी कि हिरन आप लोगों ने सुना होगा, तो उसी के नाम से यहाँ पर इसका नाम देखते हैं, मुर्गावानी नेशनल पार्क, जो कि आप लोगों को ये भी हैदराबाद में देखने को मिलेगा। हैदराबाद तेलंगाना में डिक्लेयर किया गया था 1994 में। और इसके अलावा जैकबिन कुको, ये आप लोग यहाँ पर इस तरीके की चिड़िया है जो देख सकते हैं। इसके अलावा जो स्पॉटेड डियर होते हैं, यानी कि जो हिरन होते हैं और उन पर वो चित्तेदार जो हिरन होते हैं, ये लगभग आप लोग यहाँ पर 350 यानी कि 350 के करीब आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और लगभग 600 डिफरेंट तरीके के प्लांट्स आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो काफी इंटरेस्टिंग नेशनल पार्क आप लोग इसको भी बोल सकते हैं। चलते हैं अगले राज्य की ओर, जिसका नाम है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में देखेंगे, पर उससे पहले आप लोग एक बार लोकेशन निहार लीजिए आंध्र प्रदेश की। ये देखिए जो रेड स्पॉट आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहा है, ये है आंध्र प्रदेश। जूम करके थोड़ा देखते हैं, ये है आप लोगों के सामने आंध्र प्रदेश। अगर आंध्र प्रदेश की कैपिटल की बात करें, तो अब तक जो कैपिटल है वो है हैदराबाद पर, लेकिन अगले आने वाले कुछ टाइम में आप लोगों को जो इसकी कैपिटल देखने को मिलेगी, वो देखने को मिलेगी यहाँ पर अमरावती, ठीक है। तो आने वाले टाइम में अमरावती कैपिटल देखने को मिलेगी, तो उसके बारे में भी आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। फिलहाल के लिए दोनों की कैपिटल एक ही है, आंध्र प्रदेश की भी और तेलंगाना की भी। तो देखते हैं कौन कौन से नेशनल पार्क है इसके अंदर। यह है यहां पर श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क। तो कहां पर देखने को मिलेगा, यह आप लोगों को हैदराबाद में देखने को मिला। एग्जैक्ट लोकेशन ये देख सकते हैं, हैदराबाद के साउथ में है ये पर्टिकुलर जो नेशनल पार्क है। इसके साथ में इसके बारे में आप लोग कुछ बातें और पता होनी चाहिए। पहला तो इसका नाम आप लोगों को पता होना चाहिए, लोकेशन हैदराबाद में है। इसके अलावा नेशनल पार्क के साथ में बायोस्फीयर रिजर्व कौन सी हिल में आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर जो है ये आप लोग नाम याद रखते हैं, ये है सिचाचलम, ठीक है। जो हिली एरिया है वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसको बायोस्फीयर रिजर्व भी डिक्लेयर किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। इसके अलावा ये काफी फेमस है किसके लिए, कई सारे वाटरफॉल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे, उसके लिए भी काफी फेमस है। जैसे आप लोगों के सामने यहाँ पर ये है टालाकोना, इसके अलावा ये है यहाँ पर गुंडालाकोना, इसके अलावा यहाँ पर है गुंजाना। तो ये कुछ ऐसे नेशनल, ये यहाँ पर कुछ ऐसे वाटरफॉल है जिनका नाम आप लोग याद रख सकते हैं। बाकी सितंबर 1989 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। ये एक डिफरेंट तरीके का पक्षी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इसका नाम है ब्लू फेस मालकोहा और स्मॉल ग्रीन बेल्ड मालकोहा, ठीक है। देख सकते हैं इसकी चोंच भी हरे रंग की है, आंखें भी कुछ कुछ हरी रंग की नजर आ रही होगी, गाढ़े हरे की। और ये पूरा आप लोग देखते हैं, इस तरीके का पक्षी भी यहाँ पर पाया जाता है। अगला नेशनल पार्क है यहाँ पर, यह पापी कोंडालू नेशनल पार्क। तो पापी आदमी आप लोगों ने सुना होगा कि पापी आदमी है, क्या क्या वो काम कर रखे हैं, तो इसी तरीके से यहाँ पर पापी के नाम से आप लोग नाम याद रखते हैं।
तो लोकेशन आप लोगों को आंध्र प्रदेश में यहां पर एग्जैक्ट आप लोगों के सामने ये लोकेशन है। कुछ बातें जानते हैं इसके बारे में, नेशनल पार्क के बारे में। इसको पापी कोंडालू नेशनल पार्क और पापी हिल भी पर्टिकुलर एरिया यहां पर बोला जाता है। ईस्ट गोदावरी या फिर वेस्ट गोदावरी जो एरिया है वहां पर ये लोकेटेड आप लोगों को नजर आएगा। इसी के साथ में अभी पहले कुछ पार्ट इसका बाहर भी हुआ करता था जो पापी कोंडालू है, पर लेकिन आज की डेट में ये बाहर नहीं रहा है क्योंकि उस पर्टिकुलर एरिया में आप लोगों ने सुना भी होगा यहाँ पर पोलावरम डैम प्रोजेक्ट काफी लंबे समय से न्यूज में था, तो उसकी वजह से वो रास्ता साफ हो गया यहाँ पर। अब ये कंप्लीटली यहाँ पर आप लोगों को इनसाइड देखने को मिलेगा। एस्टेब्लिश किया गया था 2008 में, इसको एस्टेब्लिश किया गया था गोर या फिर इंडियन बेसन। ये आप लोग इस तरीके जो भैंस या सांड आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर, ये जानवर है जो कि देखने को मिलता है पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है। तो लोकेशन आप लोग जरूर याद रखेगा आंध्र प्रदेश के अंदर गोदावरी, ईस्ट गोदावरी और वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। नेक्स्ट जो राज्य है हमारा ये है केरला, और केरला और तमिलनाडु पे थोड़ा सा ध्यान से दीजिएगा क्योंकि कई सारी बाढ़ वगैरह और कई सारे आप लोगों को साइक्लोन की वजह से दोनों जो एरिया है काफी न्यूज में रहते हैं, और अगर बाढ़ साइक्लोन या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है तो ये राज्य काफी यहाँ पर आप लोगों को इन सब चीजों का नुकसान देखने को मिलता है, तो इसलिए इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा ज्यादा फोकस दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेज आप लोगों के काफी ज्यादा बन जाते हैं। एग्जैक्ट लोकेशन पहले केरला के बारे में देखते हैं, उसके बाद में तमिलनाडु के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये है केरला, देख सकते हैं ऊपर हो गया कर्नाटक और यहाँ पे हो गया तमिलनाडु, दो बॉर्डर के साथ में टच करता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। थोड़ा सा जूम और करके देख लेते हैं, ये आप लोगों के सामने एग्जैक्ट लोकेशन केरला की यहां पर देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। अगर कैपिटल की बात करें तो तिरुवनंतपुरम आप लोगों को यहां पर केरला की कैपिटल नजर आती है। तो यहां पर जो नेक्स्ट है अन्नामुड़ी सोला नेशनल पार्क, ये एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों के सामने केरला में यहां पर देखते हैं, लगभग ये कॉर्नर पे देखने को मिलेगा केरला और तमिलनाडु के। तो इस पर्टिकुलर एरिया के बारे में जानते हैं, तो नाम आप लोगों को याद ही रखना है अन्नामुड़ी सोला नेशनल पार्क, एक प्रोटेक्टेड एरिया है ये वेस्टर्न घाट में। देखिए जब जब वेस्टर्न घाट की बात आती है तो आप लोगों को और भी कई सारी बातें याद रखनी होती है। एक तो वेस्टर्न घाट को हॉट स्पॉट वाला एरिया आप लोगों को देखने को मिलता है, ये हमारी कंट्री में लोकेटेड है वेस्टर्न घाट में, या फिर तो आप लोग नॉर्थ ईस्ट वाला जो रीजन है या फिर हमारी कंट्री का जो नॉर्थ वाला रीजन है खासकर वो वाला रीजन आप लोगों को यहाँ पर नजर आता है। तो उसके अंदर वेस्टर्न घाट में इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में केरला के अंदर आप लोगों को ये नेशनल पार्क देखने को मिलेगा जिसको 2003 में एस्टेब्लिश किया गया था। इसके अलावा जो यहाँ पर कई सारे जो नेशनल पार्क है इन सबको मिलाकर ये आप लोगों सारे जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसके अंदर, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर भी इनको सेलेक्ट किया गया है। खासकर अगर बात करते हैं वेस्टर्न घाट के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है, तो वेस्टर्न घाट के बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा, तो इसलिए यहां से क्वेश्चन आप लोगों के बन जाते हैं कई बार। और वेस्टर्न घाट अभी कई कई रीजन की वजह से भी न्यूज में था, जब से केरला में बाढ़ आई उन सब रीजन की वजह से, क्योंकि उससे पहले दो तीन कमेटी सेटअप की जा चुकी थी, उन कमेटी के सेटअप करने के बाद भी यहां पर कि ये कोई भी ऐसा स्टेट गवर्नमेंट ने स्टेप नहीं उठाया ताकि वहां पर उसको कंट्रोल किया जाए, उन रीजन की वजह से भी ये काफी न्यूज में थे, ठीक है। इसके अलावा यहां पर है ये नीलागिरी थार, ये इस तरीके का आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसको नील गाय आप लोग बोल सकते हैं, वैसे ये इस तरीके का जानवर यहां पर पाया जाता है। एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों के सामने है, आगे चलते हैं। अगला है नेक्स्ट यहां पर यह है इराविकुलम नेशनल पार्क, एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग यहां पर देखते हैं, ये भी साइड में ही आप लोगों को देखने को मिलेगा, लगभग यहां पर ये तमिलनाडु है इसके बॉर्डर एरिया में, ठीक है। तो बात क्या की जा रही है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। लोकेटेड वेस्टर्न घाट में इदुक्की डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जहां पर पहले वाला लोकेटेड था जिस डिस्ट्रिक्ट में, उसी डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। इसी के साथ में मैंने आप लोगों को बताया था ऑलरेडी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है यहां पर ये वेस्टर्न घाट का, जो भी आप लोगों को नेशनल पार्क देखने को मिलता है, 2003 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। अगर हम लोग इससे पहले वाला जो नेशनल पार्क था उसके बारे में जिक्र करें, ये भी इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा और 2003 में इसको भी एस्टेब्लिश किया गया था। तो इस तरीके से इसके बारे में भी आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं इसके साथ में कंपेयर करने के बाद में। अगर बात करें यहां पर जानवर की, तो ये है यहां पर नीलगिरी मार्टिन, तो इस तरीके से आप लोग यहां पर इसको देखते हैं, ये वाला जानवर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता है पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर में। अगर इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री में आप लोग जाकर देखेंगे तो यहां पर बात की जा रही है इराविकुलम राजमाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसको 1975 में डिक्लेयर किया गया था, फिर आगे चल के आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर इसको नेशनल पार्क बना दिया 2003 में आगे चलने के बाद में। अगला जो नेशनल पार्क है आप लोगों को सिंघम मूवी की याद दिलाने वाला है, बात की जा रही है माथिकेतन सोला नेशनल पार्क। आखिर क्यों सिंघम मूवी की याद दिलाएगा, पहले आप लोग लोकेशन देखिए, ये है एग्जैक्ट लोकेशन। अब बात करते हैं इसके बारे में आगे, जो आप लोगों को वर्ड यहां पर देखने को मिल रहा है ये माथिकेतन, इसका मतलब होता है माइंड कंफ्यूज, ठीक है ना, जब कहता है ना कि मांझी सटकेल, तो कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। जब यहां पर कोई एंटर करता है इस वाले नेशनल पार्क के अंदर तो वो नॉर्मली रास्ता भूल जाता है, ऐसी बातें बोली जाती है यहाँ पर लोकल लोगों के द्वारा, तो इसीलिए इसके नाम पर ही यहाँ पर माथिकेतन, यानी कि जो माइंड कंफ्यूज कर देता है रास्ता भूलने की वजह से जो कोई इसमें एंटर करता है, तो इसी के नाम पर यहाँ पर इसका ये नाम रखा गया है। ये भी लोकेशन क्या है, इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो माथिकेतन सोला नेशनल पार्क इदुक्की डिस्ट्रिक्ट केरला के अंदर नजर आएगा आप लोगों को।
नोटिफाइड किया गया था एज ए नेशनल पार्क 21 नवंबर 2003 में, और लोकेशन आप लोगों के सामने है। बात की जा रही है यहाँ पर ब्लैक एंड ऑरेंज, ये ब्लैक रंग भी है आप लोगों के सामने और ऑरेंज कलर भी है। ये है फ्लाई कैचर, ये बर्ड आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है, तो इस तरीके से भी ये भी आइडिया आप लोग रख सकते हैं। ठीक है, तो माइंड कंफ्यूज डायरेक्ट आप लोगों को शब्द देके भी कई बार पूछा जाता है, तो ये शब्द जरूर याद रखिएगा इस तरीके, अगर जिसका कोई पर्टिकुलर मीनिंग होता है तो। नेक्स्ट नेशनल पार्क भी काफी इंटरेस्टिंग है, बात की जा रही है पंपादुम सोला नेशनल पार्क, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है, ये भी आप लोगों को एक मूवी की याद दिलाएगा, नागिन मूवी की। तो लोकेशन आप लोगों के सामने एग्जैक्ट, ये एग्जैक्ट केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पर देखने को मिलेगा। क्या बातें की जा रही है, पहले इसका आप लोग मीनिंग देख लीजिए एक बार। पंपादुम का मतलब है द फॉरेस्ट वेयर स्नेक डांस, यानी कि जहां पर सांप नाचते हैं वो वाला फॉरेस्ट, इसको बोला जाता है पंपादुम। ठीक है, तो नागिन मूवी में जिस तरीके से सांप नाचते हुए नजर आते हैं, कहने का मतलब यह है जो सांप है यहाँ पर वो डांस करते हुए आप लोगों को देखने को मिलेंगे, उसके नाम पर यहाँ पर इसका नाम रखा गया पंपादुम सोला नेशनल पार्क। और एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन हो रहा है कि ये स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे छोटा नेशनल पार्क है जो आप लोगों को केरला में देखने को मिलेगा, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। इसके अलावा कहां पर पाया जाता है, यह है प्लानी हिल, प्लानी हिल वाला पर्टिकुलर एरिया है जहां पर आप लोगों को वंदुर्व ये वाला पीक है जहां पर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। 2003 में इसको एज ए नेशनल पार्क इस्टेब्लिश किया गया था, लोकेशन आप लोगों को यहां पर दिखाई दी। इसके अलावा नीलगिरी वुड पिजन यानी कि ये कबूतर आप लोगों को इस तरीके यहां पर देखने को मिलता है। तो ये जो नाम डिफरेंट आप लोगों को थोड़ा बताया गया, इसका मीनिंग क्या है इसके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और सबसे छोटा अगर पूछे कि केरला का नेशनल पार्क कौन सा है, तो वो भी दर्जा इसी के नाम पर दर्ज कराया गया है, तो ये भी आप लोगों को हल्का सा आइडिया रखना है। आगे चलता हूं, अगला नेशनल पार्क काफी फेमस है और पेरियार रिवर का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो उसके बेस पर भी आप लोग याद रख सकते हैं। पेरियार नेशनल पार्क ये एग्जैक्ट लोकेशन है, ये भी आप लोगों को बॉर्डर एरिया में ही देखने को मिलेगा, तमिलनाडु और केरला वाले रीजन में। इसके अलावा इसके बारे में कुछ और बातें हैं आप लोगों के सामने, पेरियार नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी आप लोग देखते हैं इसके नाम से भी इसको देखते हैं, प्रोटेक्टेड एरिया है ये आप लोगों को जो देखने को मिलेगा नियर। यहाँ पर दो तीन डिस्ट्रिक्ट का भी नाम आप लोग याद रख सकते हैं, तीन डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं, जो पहला है यहाँ पर इदुकी जो कि हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। इसका अगला है जो है ये कोटायम, और जो थर्ड डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर ये है पथनाया मिथिता। ठीक है, तो इसका नाम भी आप लोग याद रख सकते हैं, केरला के अंदर आप लोगों को ये एग्जैक्ट लोकेशन देखने को मिलेगी। कुछ और बातें आप लोग याद रखेगा, ये खासकर अगर एलिफेंट रिजर्व की बात करते हो, टाइगर रिजर्व, तो उसके लिए भी ये आप लोगों को नेशनल पार्क देखने को मिलेगा जो कि इसके नाम पर भी जाना जाता है। इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट रिवर के नाम आप लोग जरूर याद रखेगा, पहला मैंने पेरियार बता ही दिया आप लोगों, और दूसरा यहाँ पर पंबा PAMBA, तो पंबा रिवर भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, तो ये दो रिवर भी इंपॉर्टेंट है। और बाकी एलिफेंट और टाइगर के लिए मैंने आप लोगों को बताई दिया, इस्टेब्लिश किया गया था इसको 1982 यानी कि 1982 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, और ये जो यहाँ पर गवर्न किया जाता है ये डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ केरला के द्वारा। ठीक है, तो ये तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए, तो ये पर्टिकुलर एरिया है, इसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। आगे चलता हूं, नेक्स्ट नेशनल पार्क है, उसके लिए आप लोगों को साइलेंट रहना पड़ेगा क्योंकि हम लोग साइलेंट वैली नेशनल पार्क के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो इसलिए शोर नहीं मचाना, बिल्कुल शांत रहना है। ठीक है, लोकेशन आप लोग यहां पर देखते हैं, यह है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों के सामने। मैक्सिमम जितने भी नेशनल पार्क आप लोगों को अब तक देखने को मिले हैं केरला में, वो यहां पर तमिलनाडु के बॉर्डर के लगते हुए आप लोगों को देखने को मिले हैं, हिली वाले एरिया में, तो ये आप लोग इस तरीके से याद रख सकते हैं। इसके अलावा अगर इसके बारे में कुछ बातें की जाए, तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क सेकेंड लार्जेस्ट नेशनल पार्क भी है केरला के अंदर में, जो कि केरला के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में नीलगिरी हिल, ये काफी इंपॉर्टेंट है, नीलगिरी हिल डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार ऐसे बन जाते हैं कि कौन सा नेशनल पार्क आप लोगों को नीलगिरी हिल में देखने को मिलेगा, तो तीन चार नेशनल पार्क के नाम दे दिए जाएंगे और फिर पूछ लिया जाएगा, तो यहाँ पर साइलेंट वैली नेशनल पार्क का नाम आप लोगों को नहीं भूलना है। और अगर कोई एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों से पूछे कि जाना है, तो आप लोग बताइएगा कि ये मन्नारकट के पालाकट डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के लिए क्वेश्चन ये है कि नीलगिरी सब क्लस्टर के अंदर वेस्टर्न घाट के अंदर जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसके लिए इसको रिकॉग्नाइज किया गया था 2007 में, और इस्टेब्लिश कब किया गया था इसको एज ए नेशनल पार्क, यह 26 दिसंबर 1980 में, 26 दिसंबर 1980 में इसको डिक्लेयर किया गया था। ये है यहाँ पर नीलगिरी वुड पिजन, ये यहाँ पर आप लोग देखते हैं, तो एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों को बता ही दी गई है, तो इसके बारे में ये कुछ बातें हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये था आखिरी नेशनल पार्क केरला के अंदर, आइए अब चलते हैं तमिलनाडु के अंदर। तो तमिलनाडु के बारे में जानने को मिलेगा, पहले तो आप लोग यहाँ पर बीच आप लोगों ने तमिलनाडु में गए होंगे तो इसको देखा होगा जरूर, ये है मैरीना बीच, और ये चोला टेम्पल
जो कि यहाँ पर चोला के द्वारा, चोला के जो राजा थे उनके द्वारा बनाए गए थे। लोकेशन एक बार निहार लेते हैं कहाँ पर है एग्जैक्ट, ये बीचों बीच आप लोग यहाँ पर देखने को मिला है जो रेड स्पॉटेड एरिया है तमिलनाडु इंडिया में साउथ के अंदर, ठीक है। और खासकर आप लोगों को पता भी होना चाहिए यहाँ पर जो श्रीलंका से बात आती है टच करने की, तो ये वाला एरिया ही देखने को आप लोगों को मिलता है। तमिलियन इशू यहाँ पर काफी एक मुद्दा रहता है अगर श्रीलंका और यहाँ पर इंडिया के बारे में बात करते हैं। ये है एग्जैक्ट लोकेशन, यहाँ पर आप लोग देखते हैं कैपिटल हो गई चेन्नई और पुडुचेरी भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है जो कि यहाँ पर पोंडिचेरी का जो कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। इसके अलावा अगर टच करने की बात करें तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरला तीन राज्य इसको टच करते हुए आप लोगों को नजर आते हैं। तो ये थी कुछ इसके बारे में छोटी छोटी मगर मोटी बातें। आइए अब आगे चलते हैं, देखते हैं कौन कौन सा नेशनल पार्क इसके अंदर है। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दूं फिर से मैं, देखिए केरला और तमिलनाडु के जो नेशनल पार्क हैं या पर्टिकुलर एरिया है वो जरूर याद रखिएगा। अभी कई सारे साइक्लोन रिसेंटली आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिले हैं, बाढ़ वगैरह देखने को मिली है, तो इसकी वजह से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। इसके अलावा जब बात करते हैं मानसून का, नॉर्मल मानसून आप लोगों को हमारी कंट्री में आती हुई दिखती है कहां से, ये आप लोगों को साउथ वेस्ट से मानसून आती हुई दिखती है ऐसे पर, लेकिन जब तमिलनाडु की बात करते हैं तो तमिलनाडु में मानसून आप लोगों को यहां से ऐसे आती हुई दिखती है, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट वाली जो मानसून होती है उसकी वजह से जो खासकर चेन्नई वाले पोर्शन में काफी बाढ़ होती है, वो काफी बारिश होती है, उसकी वजह से चेन्नई में बाढ़ आती है, वो भी आप लोगों को पता है। तो इसीलिए यहां पर ये रीजन काफी न्यूज में रहता है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। तो जो पहला नेशनल पार्क है यहां पर ये है गुंडे नेशनल पार्क, ठीक है। तो इसका नाम याद रखिएगा, मजाक कर रहा था, गुंडे नहीं है गुंडी, ठीक है। तो यानी कि गुंडा हो गया मेल, ये है गुंडी, ओके। तो फीमेल वाले डाकू है ये, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। चलिए जो भी आप लोगों को याद रखना है जैसे तैसे भी आप लोग चाहे उसको याद रख सकते हैं कनेक्ट कर। ये है एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पर, ठीक है। एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों के सामने है कहां पर, चेन्नई के पास में। इसके बारे में कुछ छोटी छोटी मगर मोती बातें यानी कि इंटरेस्टिंग न्यूज कुछ जान लेते हैं। जो गुंडी नेशनल पार्क है लोकेटेड कहां पर है, चेन्नई तमिलनाडु के अंदर देखने को मिलेगा, और एट्थ स्मॉलेस्ट जो नेशनल पार्क आप लोगों को नजर आएंगे इंडिया में उनमें से एक है, क्योंकि वेरी फ्यू पार्क सिचुएटेड इनसाइड द सिटी है। तो अगर सिटी के अंदर कोई होगा तो आप लोग नॉर्मली देखने को मिलेगा वो छोटा हो ही जाएगा, क्योंकि गांव से लोग इधर उधर से आके वहां पर रहने लगते हैं और फिर क्या किया जाता है, आसपास की लैंड का एनक्रोचमेंट किया जाता है, उसकी वजह से जो आप लोगों को कोई भी अगर पार्क वाला एरिया या फिर देखने को मिलेगा वो घटता हुआ जाता है इसकी वजह से। तो इसलिए अगर सिटी के अंदर कोई पार्क है तो आने वाले कुछ टाइम में वो पार्क डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, ये आप लोगों को जरूर देखने को मिलेगा। एस्टैब्लिश किया गया था कब, 1977 में। जानवर है कुछ ये मूसक टाइप का, इसका नाम आप लोग याद रखते हैं, ये हेडगे होक्स, ठीक है। हेड ये वही वाला हेड है जो हेडगिवार आप लोगों ने सुना होगा। हेडगिवार किससे रिलेटेड है, ये बीजेपी से रिलेटेड है संस्था, आप लोगों को पता ही होगा उसके बारे में, यानी कि फाउंडर और आरएसएस भी आप लोग उनको बोल सकते हैं। तो उसके कनेक्ट करके कुछ भी हो, देखिए आप लोग क्या करना है, बेसिकली किसी को भी कहीं से भी जहां से आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। बेसिक पर्पज ये है, रटना नहीं है, किसी से कनेक्ट करके जहां से भी आप लोग किसी को कर सकते हैं, बस उसको लंबे समय तक आप लोग याद रखते हैं, कोई भी ऐसा तिकड़मबाजी आप लोगों को भेड़नी है, क्योंकि क्वेश्चन में आप लोगों का मेनली अटेम्प्ट होना चाहिए एग्जाम में, वो मुद्दा है, ठीक है। आगे चलता हूं, अगला नेशनल पार्क काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। बात की जा रही है गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन नेशनल पार्क, लोकेशन आप लोगों के सामने है यहाँ पर, गल्फ ऑफ मन्नार वाला पोर्शन आप लोग देखते हैं यहाँ पर, ये एग्जैक्ट बीचों बीच श्रीलंका और इंडिया के बीच में आप लोगों को लोकेशन इसकी नजर आ रही होगी। अगर बात करें गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन नेशनल पार्क के बारे में, तो इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात यह है, अगर आप लोग यहाँ पर घूमने जाएंगे तो एक ऐसी नाव में आप लोग यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया में दर्शन कराए जाते हैं। अगर आप लोग उस नाव में बैठेंगे तो चारों तरफ यहाँ पर खड़ा होने की जगह होगी ऐसा करके, और बीचों बीच यहाँ पर कांच लगा होगा, यानी कि नाव की जो पैंदी है उसके अक्रॉस आप लोग जाकर मतलब आर पार आप लोगों को देखने को मिलेगा, मछलियां वगैरह जो भी यहाँ पर जानवर होंगे वो उनको आप लोग देख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर काफी कुछ आप लोग देखते हैं, पर लेकिन ये लिमिटेड है, ग्लास वाली बोट यहाँ पर अलाउ की जाती है, इसके अलावा ज्यादा कुछ अलाउ नहीं किया जाता है, ठीक है। बाकी का यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट ये आप लोगों के लिए पोर्शन है यहाँ पर, कि यहाँ पर 21 जो छोटे छोटे आइलैंड है उनको मिलाकर यहाँ पर ये कंप्लीट एरिया देखने को मिलता है, जो कि गल्फ ऑफ मन्नार वाला एरिया है यहाँ पर, खासकर तमिलनाडु का ईस्ट कोस्ट वाला रीजन आप लोग बोल सकते हैं। तो 21 छोटे छोटे जो आइलैंड है उसको कंसिस्ट करके ये गल्फ ऑफ मन्नार मैराइन नेशनल पार्क आप लोगों को देखने को मिलता है। तो अब अगर आप लोगों से कोई क्वेश्चन भी पूछे कि ऐसा कौन सा हमारी कंट्री में नेशनल पार्क है जहां पर 21 आइलैंड है, तो ये आप लोग भी इसका भी आंसर यहां पर इस तरीके से दे सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बातें एस्टेब्लिश किया गया था 1986 में, तो ये आप लोग इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं। और बाकी आप लोग यहां पर देखते हैं, ये है यहाँ पर दुंगोंग, ठीक है। ये यहाँ पर मछली है जो कि वनरेबल कैटेगरी में, आप लोगों को पता है खासकर साउथ वाले एरिया में अगर आप लोग जाएंगे मछली पालन काफी इंपॉर्टेंट वे है वहां पर मछली पालन करने का, इसलिए कुछ ऐसा चीजें होती हैं कि जैसे ट्रोलर वगैरह यूज किए जाते हैं, तो उसकी वजह से कुछ ऐसी मछलियां हैं वहां पर जो आज के दिन में काफी खतरनाक वनरेबल कंडीशन में पहुंच चुकी है, यानी काफी कम वहां पर रह चुकी है। जब उनके बच्चा देने का टाइम होता है उस टाइम पर भी वहां पर कई बार क्या होता है, बंद कर दिया जाता है ट्रोलर वगैरह यूज करने के लिए और मछली पकड़ने के लिए, ताकि जो बच्चे पैदा हैं हो सके वहां पर वो आगे चल के बढ़ सके। तो इसलिए यहां पर इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं।
नेक्स्ट नेशनल पार्क काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है, बात की जा रही है इंदिरा गांधी या फिर अन्नामलाई नेशनल पार्क, दोनों ही नाम से आप लोगों को यहां पर पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो दोनों ही नाम आप लोगों को याद रखने हैं। एग्जैक्ट लोकेशन है आप लोगों के सामने यहां पर केरला वाले बॉर्डर के लगभग पास में आप लोगों को ये देखने को मिल रहा है। इसके बारे में थोड़ी आगे बातें जानते हैं डिटेल में क्या क्या बातें की जा रही है। अन्नामलाई या फिर इंदिरा गांधी ये तो याद रखनी है, पहले इसको इंदिरा गांधी के नाम से पुकारा जाता था, अब इसको अन्नामलाई टाइगर रिजर्व या फिर नेशनल पार्क आप लोग ये इसके नाम से पुकारा जाता है। ये इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क दोनों कंबाइन करके भी पूछा जाए तो भी आप लोगों को याद रखना है, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा अन्नामलाई हिल। तो डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन कई बार ऐसे ही पूछ ले जाते हैं कि ये पर्टिकुलर हिल किस राज्य में पड़ती है, तो उसके तरीके से भी आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। पर्टिकुलर हिल का नाम अगर पूछा जाए तो आप लोग याद रखिएगा कि ये पर्टिकुलर हिल है यहाँ पर और ये स्टेट है यहाँ पर, तो वो मैच करने के लिए भी आ जाता है। तो अन्नामलाई हिल में भी पूछा जा सकता है कौन सा नेशनल पार्क है, तो ये क्या है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व या फिर इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क, ये भी याद रखिएगा। 1989 में यहां पर इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। और सांप नेवले की नवल लड़ाई के बारे में आप लोगों ने कई बार सुना ही होगा, तो यहां पर इंडियन ब्राउन मंगूज ये नेवला है यहां पर, जो कि आप लोगों को ब्राउन कलर का देखने को मिलता है पर्टिकुलर एरिया में इस नेशनल पार्क में, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। तो आइए अब आगे चलते हैं, यह है सेकंड लास्ट नेशनल पार्क, इसके बाद में एक नेशनल पार्क और बच जाएगा, नाम है यहां पर मुदुमलाई नेशनल पार्क। एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों के सामने है यहां पर, आप लोग देखते हैं यहां पर ये एग्जैक्ट लोकेशन यानी कि त्रिकोणीय श्रृंखला यहां पर आप लोग देखते हैं तमिलनाडु और यहां पर इधर आप लोग कर्नाटक का देखने को मिलेगा, तो यहां पर आसपास आप लोगों के सामने है ये जो ये है यहां पर मुदुमलाई नेशनल पार्क। इसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। मुदुमलाई नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये डिक्लेयर किया गया था टाइगर रिजर्व भी, जो कि नॉर्थ वेस्ट साइड नीलगिरी हिल्स के आप लोगों को देखने को मिलता है। इसको ब्लू माउंटेन भी बोलते हैं, ये भी याद रखेगा, ठीक है। नीलगिरी हिल या फिर नील आप लोगों ने सुना होगा, नील गाय या फिर नीला कलर, तो उसी के नाम पर ब्लू नाम रख दिया है, तो कोई बड़ी तो ऐसे नहीं है कि कोई यहाँ पर बड़ा कोई कॉन्सेप्ट हो गया, तो ऐसे आप लोग कनेक्ट करके देख सकते हैं। तमिलनाडु एरिया हो गया, बाकी जो स्टेब्लिश किया गया था काफी पुराना है, आजादी से पहले की बात की जा रही है 1940। इसके अलावा यहाँ पर लेपर्ड कैट यानी कि ये वाली बिल्ली जिसको आप लोग चीता बिल्ली बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर आप लोग देखते हैं इस तरीके का जो कलर है इसका, तो थोड़ा सा उसी टाइप की लग रही है। तो ये यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग आप लोग देखते हैं जो जानवर पाया जाता है। आज का देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट नेशनल पार्क, नाम है इसका मुकुर्थी नेशनल पार्क। तो ये लास्ट नेशनल पार्क है तमिलनाडु का, जो है कि मुकुर्थी नेशनल पार्क, ये लोकेशन है आप लोगों के सामने। जानते हैं कुछ बातें इसके बारे में भी क्या क्या बातें यहाँ पर हैं। तो मुकुर्थी नेशनल पार्क लोकेटेड तमिलनाडु में है, पता ही है आप लोगों को, नीलगिरी थार ये इसका नेशनल पार्क है, या फिर आप लोग इसको नीलगिरी थार नेशनल पार्क से ही पुकार सकते हैं। देखिए जिस भी नेशनल पार्क के दो नाम है ना, वो तो आप लोग कम से कम देख ही लीजिएगा जरूर, क्योंकि दो नाम अगर आ जाते हैं कहीं पर तो क्वेश्चन बनने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं, तो ये इसके नाम से भी आप लोग इसको याद रखते हैं। इसके अलावा जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व या इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व भी इसको बोला जाता है, ये तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया इसकी वजह से। इसके अलावा पार्ट है यहाँ पर वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है, फर्स्ट ये है यहाँ पर किससे, 1 जुलाई 2012 से। तो ये जो पार्क हो गया यहाँ पर ये काफी इंपोर्टेंट हो गया, एक तो दो तरीके से आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व, इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व, तो एक तो इस वजह से। दूसरा यहाँ पर क्या है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का एक पार्ट है, इसको जो डिक्लेयर किया गया था पार्क एज ए, ये दिसंबर 2001 में स्टेब्लिश किया गया था, तो इसके बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो ये है मुकुर्थी नेशनल पार्क तमिलनाडु में देखने को मिलेगा, और यहाँ पर ब्लैक बुलबुल ये जो चिड़िया है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती है, तो ये कुछ बातें याद रखिएगा। तो ये थे हमारे कंप्लीट इंडिया के नेशनल पार्क, आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आए होंगे, सारे स्टेट में कवर करा चुका हूँ, टोटल आप लोगों के सामने है यहाँ पर, इसको आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। और इसी के साथ में अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों को इनसे कुछ फायदा हुआ है तो शेयर करना मत भूलिएगा, फेसबुक व्हाट्सएप जहां पर भी आप लोग कनेक्टेड है ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि सब तक ये पहुंचाया जा सके। इसके अलावा यहाँ पर डेली आप लोगों को देखने को मिलता है, जो नए बच्चे सुनते हैं उनको बता दूं, द हिंदू की वीडियो आप लोगों को देखने को मिलती है, नैनो मैगजीन और क्वेश्चन की प्रैक्टिस और भी कई सारी तमाम वीडियो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। यानी कि अगर आप लोगों को लगता है ये चैनल फायदा पहुंचा रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर आप लोग फैमिली का पार्ट बन सकते हैं। इसके अलावा आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करनी है, और जब भी टाइम मिले किसी को पढ़ा दीजिए, अगर किसी को पढ़ाएंगे आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा और सामने वाले का कुछ भला हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।